हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। आज हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद की बात करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 38 चैप्टर में योनि व्यापद का वर्णन किया है, जिसकी संख्या 20 है। सभी आचार्यों ने योनि व्यापदों की संख्या 20 मानी है। योनि व्यापद दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, योनि और व्यापद। योनि मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, व्यापद यानी विकृति या रोग या एबनॉर्मेलिटीज, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की कोई भी एबनॉर्मेलिटी, रोग, विकृति को हम योनि व्यापद कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनके निदान। आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य चरक ने योनि व्यापद के चार निदानों का वर्णन किया गया है। तो पहला निदान है मिथ्या आचारण। मिथ्याचारण मतलब, मिथ्या मतलब अयोग या अति योग, आचारण मतलब आहार और विहार, मतलब अयोग या अति योग किसका, आहार और विहार का, उसे हम मिथ्या आचार कहेंगे। दूसरा है प्रदुष्ट आर्तवेन, यानी कोई भी आर्तव दुष्टि के कारण जो भी योनि व्यापद होगा, ये उसका निदान है। तीसरा आता है बीज दोष, यानी माता पिता के बीज में कोई भी विकृति के कारण जो योनि व्यापद होगा, उसका निदान बीज दोष। चौथा है दैव, यानी जिसको हम धार्मिक कार्यों का फल मानते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके चार निदान, मिथ्याचारण, प्रदुष्ट आर्तव, बीज दोष और दैव। अब इनके आगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने 20 योनि व्यापद को चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, और 20 को पांच पांच में, जैसे पांच वातज, पांच पित्तज, पांच कफज और पांच सन्निपातज, ऐसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से योनि व्यापद आते हैं विद ट्रिक्स। जैसे पांच वातज योनि व्यापद में सबसे पहले वातज तो आएगा ही, वातज पहला हो गया वातज। अब इन चार कैटेगरी है, उनके में सिर्फ अपने को एक लाइन याद रखनी है, तो इससे हमें वो पूरे पांचों नाम याद हो जाएंगे। जैसे वातज में वातज तो आएगा ही, और चार कौन कौन से आएंगे उसकी ये ट्रिक है, परि विप्लु को उदारता से बांधती है। क्या, परि विप्लु को उदारता से बांधती है, परि यानी परिप्लुता, विप्लु यानी विप्लुता, उदारता यानी उदावरता, बांधती है मतलब बंध्या। तो ये पांच वातज योनि व्यापद हो गए। अब पित्तज योनि व्यापद, यानी पित्तज में पित्तज भी आएगा, और आपको पता है पित्तज रक्त से साधर्म्य होता है, यानी लोहित सया, लोहित सया और पित्तज तो आप आएंगे ही, और कौन कौन से तीन आएंगे उसकी ट्रिक है। जैसे शशि के पुत्र को वमन होता है, शशि के पुत्र को वमन होता है, शशि यानी प्रशंसनी, पुत्र यानी पुत्रग्नि, वमन यानी वामिनी, यानी शशि के पुत्र को वमन होता है, ये होंगे पित्तज योनि व्यापद। अब आगे बात करते हैं कफज योनि व्यापद की। कफज योनि व्यापद में जैसे कफज तो होगा ही, उसके बाद कौन कौन से होंगे उसकी ट्रिक है। जैसे कणी दोनों चरणों से आनंद लेती है, कणी यानी मतलब कोई लड़की है, उसके दोनों चरण यानी दोनों पैरों से आनंद लेती है। ठीक है, ये इसकी होगी कफज की, यानी कणी से यानी कर्णनी, दोनों चरण यानी अचरणा और अति चरणा। ठीक है, इसमें प्रागचरणा नहीं है, प्रागचरणा आचार्य सुश्रुत ने नहीं मानी, ये आचार्य चरक ने मानी है, यानी कणी दोनों चरणों यानी अचरणा और अति चरणा, आनंद लेती है मतलब अति आनंदा, अति आनंदा। ठीक है, ये हो गए कफज यानी फाइव, कफज योनि व्यापद जो पांच है। और सन्निपातिक योनि व्यापद आगे पांच, सन्निपातिक में जैसे सर्वज त्रिदोषज, ये सन्निपातिक तो होगा ही एक, उसको और आगे चार कौन से होंगे, जैसे इसके ऐसे याद रखेंगे, शंडी फल अतिवृत, क्या, शंडी फल अतिवृत, शंडी से यानी शंडी योनि व्यापद, फल से फलिनी, अति से मतलब अति संवृत्ता, वृत से विवृता, तो ये हो गया सन्निपातिक योनि व्यापद, यानी शंडी फल अतिवृत, इसकी ये ट्रिक होगी। हमने जैसे अब 20 योनि व्यापद की क्लासिफिकेशन देख ली, अब आगे हम इनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं वातज योनि व्यापद की। वातज में भी सबसे पहली वातला, वातला का क्या लक्षण होगा, कर्कश, स्तब्ध, सूलन, निस्तोद, पीड़ा। अब जैसे वातज है तो पीड़ा तो हो गई,
आप सबको पता होगा, वात से पीड़ा, पित्त से दाहा, कफ से गंडू, ऐसा होता है। अब जैसे जितने ये पांचों आएंगे वात के, उसमें पीड़ा तो होगी। अब ये जैसे कर्कश, स्तब्ध, ये सारे वात के गुण हैं, तो आप इससे लगा सकते हैं कि ये वातला है। अब और बाकी कौन से थे, जैसे परी विप्लु को उदारता से बांधती है, ये इसकी ट्रिक थी। अब परी से यानी परिप्लुता, परिप्लुता का क्या लक्षण होगा, यानी ग्राम्य धर्मेण रुजा वृष्यम। ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन, जहां भी ग्राम्य धर्म का वर्ड आए वहां उसका मतलब होता है मैथुन। रुजा वृष्यम, रुजा यानी पीड़ा, ठीक है। परिप्लुता का वर्ड का मतलब है जैसे परी यानी चारों ओर, चारों ओर से यानी योनि में वात विकृत हो जाता है, उसके कारण क्या होगा, ग्राम्य धर्मेण रुजा वृष्यम, ठीक है। अब आती है विप्लुता, ठीक है। अब विप्लुता मतलब क्या होता है, व्याकुलता। विप्लुता मतलब व्याकुलता। व्याकुलता क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें नित्य वेदना होती है। नित्य वेदना मतलब कि हमेशा वेदना होती रहती है, इसके कारण विप्लुता। विप्लुता का मतलब होता है व्याकुलता। क्यों क्यों होगी, क्योंकि इसका लक्षण है नित्य वेदना, ठीक है। अब आती है उदावरता। उदावरता यानी उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वायु जो नीचे की तरफ गमन करनी थी वो ऊपर की तरफ हो गई है, उदावृता। और रज, इसका लक्षण क्या है, रज कृच्छेण मुंचति, यानी जब रज नीचे की ओर प्रवाहित होगा तो वात का अपोज करेगा, उसके कारण उसको क्या होगा, पेन होगा। ये उदावरता का लक्षण है, रज कृच्छेण मुंचति। अब है बंध्या। बंध्या ये तो पता ही है, नाम से ही है कि नष्ट आर्तवा, जिसका आर्तव नष्ट हो जाता है वो क्या हो जाएगी, बंध्या। ये होगी वातज। और वातज की एक बार और ट्रिक बता देता हूं, परी विप्लु को उदारता से बांधती है, ठीक है। अब बात करते हैं पित्तज के, पित्तज योनि आपद। पित्तज में पितला का क्या लक्षण है, योनि दाहा पाक है जवरांत जवर अवंतिता, यानी दाहा पाक जवर, ये तो पित्तज के लक्षण है, देखते ही पता चल रहा है। अब दूसरा है लोहित सेया। लोहित सेया में मैंने आपको बताया था पित्त से साधर्म्य है, तो दाह तो होगा ही, और प्रसन्ति अश्रिय, मतलब कि क्या इसमें रक्त का स्राव होगा, इसका नाम ही है जैसे लोहित, लोहित यानी रक्त, से या मतलब से और स्राव, ठीक है। और ये दो थे, इसकी ट्रिक क्या थी, शशि के पुत्र को वमन होता है, शशि के शशि से प्रशंसनी, प्रशंसनी यानी मतलब कि जो अपने स्थान से हट गई है, ठीक है। संयंदते तो शोभिता दुख परसे, अपने स्थान से हट गई है तो क्या होगा, उसमें स्पंदन होगा, और जब प्रसव होगा तो उसमें उसको दुख होगा, यानी दुख परसे, ठीक है, ये प्रशंसनी हो गया। अब आता है शशि पुत्र, शशि के पुत्र को वमन होता है यानी पुत्रनी। सीतम सीतम हंति गर्भ, पुत्रगनी मतलब आपको पता ही है, पुत्र का बार बार उसके गर्भ का नाश हो जाएगा, ठीक है। अब है वामिनी। वामिनी से पता ही चल रहा है आपको कि जैसे वमन करना यानी कुछ भी वापिस उगल देना, जैसे सहवातम उद्गीरे बीजे, जो बीज होता है यानी शुक्र होता है उसको बार बार उद्गीरित यानी बाहर उगल देती है, इसीलिए इसका नाम है वामिनी। अब बात करते हैं कफज योनि व्यापद की। कफज में सबसे पहला है, कफज में क्या लक्षण होंगे, पिच्छिल योनि कंडू युक्त अति शीतला, ये सभी कफज के ही लक्षण है, पिच्छिल योनि कंडू शीतता, ये सारे कफज के लक्षण है, तो ये इजली हो जाएंगे। अब आता है कर्णिनी। कर्णिनी यानी मतलब इसके नाम का ही मतलब है कंद टाइप, कंद टाइप योनि से कुछ बाहर की ओर आकृति, कर्णिनी योनि, ठीक है। और जैसे बताया था ट्रिक क्या थी, कणी दोनों चरणों से आनंद लेती है, दोनों चरणों यानी एचरणा और अतिचरणा। एचरणा मतलब एचरणा क्या लक्षण है, मैथुनात पूर्व पुरुषाद अविरचिति, ठीक है। इसका मतलब है कि इस जब एचरणा योनि व्यापद होती है तो स्त्री पुरुष के विरचित यानी स्थगलित होने से पहले ही खुद स्वयं स्थगलित हो जाती है, उसे एचरणा बोलेंगे। और अतिचरणा बीजम ने विंदिति, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें बार बार स्थगलित हो जाने के कारण बीज का ठहराव नहीं होता है, तो ये होगी अतिचरणा। और अति आनंदा मतलब कि न संतोष ग्राम्य धर्मेण, मतलब कि ग्राम्य धर्मेण बताया था कि मैथुन, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन, ठीक है,
तो ये अति आनंदा, मैं आपको बता दूं, जो हमारी पंच कर्मेंद्रियों में उपस्थ होता है उसका आचार्य सुश्रुत और सांख्य दर्शन अनुसार उपस्थ का उपस्थ यानी पेनिस, उसका कर्म क्या है? आनंद यानी अति आनंदा, और ये योनि व्यापद है। तो दो क्वेश्चन हो गए, यानी उपस्थ का कर्म क्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? आनंद। और अति आनंदा क्या है? न उसमें संतोष नहीं होता, यानी अति है इसमें, न संतोष ग्राम में धर्म। तो ये हो गए कफज योनि व्यापद। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है सुन्निपातिक योनि व्यापद। सर्वजा मतलब कि इसमें सर्वलिंगम, यानी मतलब कि सन्निपातिक में कौन सा है उसमें तो सभी प्रकार के लक्षण मिलेंगे, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या थी? संडी फल अति समृद्ध, ठीक है। संडी फल यानी अनार्तवा, आर्तव नहीं होगा, और असतना, खर्च परसा चाहे मैथुना, यानी ये संडी के हैं, इनफर्टाइल, ठीक है। तो अनार्तव, अनार्तव नहीं होगा, आर्तव नहीं होगा, असतना, खर्च परसा चाहे मैथुना, इसको ऐसे याद रख सके, जो नॉर्मल गर्ल होती है उनकी स्किन बहुत मुलायम होती है, कोमल, और जब ये योनि व्यापद हो जाता है तो वो खर्च परसा हो जाती है, ठीक है। अब आता है फलनिनी। फलनिनी यानी अतिक्राह्य ग्रहतिता तरुणी। फलनिनी योनि व्यापद कब होंगी? जब तरुणी यानी अति बाला लड़की अतिकाय ग्रहतिता यानी अपने से बड़े पुरुष के साथ मैथुन करती है तो फलनिनी योनि व्यापद होता है। तब अति संवृता यानी सूत की वक्त्रा, यानी जब स्त्री की योनि सूची मुख के समान हो जाए उसे कहेंगे अति संवृता। और विवृता यानी महायोनि, ठीक है। तो ये हमने लक्षण पढ़ा, निदान पढ़े और क्लासिफिकेशन पढ़ी। तो अब रिवाइज कर लेते हैं दो मिनट में। तो निदान क्या थे? चार, मिथ्याचार, प्रदुष्ट आर्तवेन, बीज दोष, दैव, टोटल संख्या आपको पता ही है योनि व्यापद 20। क्लासिफाई किया था चार में, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, पांच पांच को। वातज के लिए क्या थी ट्रिक? परिविप्लु को उदारता से बांधती है। पित्तज योनि व्यापद में क्या था? शशि के पुत्र को वमन होता है। कफज योनि व्यापद में क्या था? कर्णी दोनों चरणों से आनंद लेती है। और सन्निपातिक योनि व्यापद में क्या था? शंडी फल अतिवृत, ठीक है। ये हो गए। और इसके लक्षण वातज में कर्कस्थाब्दी वातज वाले लक्षण, प्रिप्लुता ग्रह मैदर में रुजाभृष्यम, विप्लुता नित्य वेदना, उदावरता रजय कृष्ण मुंजती। बंध्या का क्या था? नष्ट आर्तवा। पित्तला का यौन दहा पाक वो लक्षण थे उसमें। लोहित से हमें मतलब कि रक्त का स्राव। प्रशंसनी यानी अपने स्थान से हट जाती है तो उसको क्या होता है? दुख परसा होता है। पुत्रंगनी यानी बार बार उसके गर्भ का नाश होता है। वामिनी यानी बीज को बार बार उगल देती है, वमन कर देती है, ठीक है। कफज में पिच्छिल योनि, कंडू युक्ता, अति शीतला। कर्णिनी में कर्णिनी योनि यानी कंद टाइप स्ट्रक्चर बार होता है योनि में। अचरणा यानी पुरुष से पहले ही विरचित हो जाती है। अतिचरणा यानी इसमें बीज नहीं ठहरता है, ठीक है। और अति आनंदा में क्या था? न संतोष ग्राम में धर्मेण यानी आनंदा, ठीक है। इसमें ग्राम में धर्म मैथुन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये अति आनंदा में। और सन्निपातिक योनि व्यापद में क्या था? सर्वजा में मतलब की सर्वलिंग लक्षण, सभी के लक्षण मिलेंगे। शंडी में अनार्तवा, असतना, खर्च परसा, ये शंडी का था। फलनिनी में क्या था? अतिक्राह ग्रहिता, मतलब की जब स्त्री बाला हो और पुरुष ज्यादा बड़ा या बड़ी उम्र का हो तब फलनिनी योनि व्यापद। अति संवृता यानी सूची वक्त्रा, संवृत यानी छोटा हो जाता है मुख, सुई के समान योनि का मुख, उसे कहेंगे अति संवृता। विवृता यानी मुख बड़ा हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे महायोनि। इस प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद टॉपिक खत्म होता है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू।